प्रदेश की हर न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं और हमारी खबरें आपको कैसी लगी इसका सुझाव देने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। बादली हलके के गोहाना माजरी गांव के वार्ड नंबर 10 के लोग सरपंच की मनमानी से काफी परेशान हैं। हम आपको बता दें कि वार्ड नंबर 10 के लोग सरपंच के बारे में बोलते हैं कि हमारी चार गलियां सरपंच साहब ने नहीं बनवाई, बल्कि कागजों में ये गलियां पक्की और सुंदर दिखाई देती है। सरपंच कहते हैं कि अभी आचार संहिता लगी है, समय आने पर इसे अच्छे से बनवा दिया जाएगा। हम आपको इन गलियों की दयनीय स्थिति दिखाते हैं, यहां के लोग कितने परेशान हैं, क्योंकि बारिश में ये गलियों का गंदा पानी घरों में पहुंच जाता है और रोड टूटे होने की वजह से आम लोगों को चलने में और जानवर को ले जाने में काफी परेशानियां होती है। लेकिन सरपंच साहब है कि किसी की सुनने को तैयार नहीं। 23 मई को चुनाव खत्म हो जाएंगे, नई सरकार भी बन जाएगी। क्या गोहाना माजरी के वार्ड नंबर 10 के लोगों को इन समस्याओं से निजात मिलेगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बताइए क्या मामला है, कि कितने दिनों से ये गली ऐसे पड़ी हुई है? 4 साल से 2 गली छोड़ी हुई है इस तरफ, और गांव में तकरीबन काम हो गया। 4 गली ऐसी हैं जो हमारे लिखित रूप में नहीं है, वे बनवा दी गई हैं। जहाँ चाहता है वहाँ काम करता हमारा सरपंच, और हम कहते हैं वहाँ काम बिल्कुल नहीं कर रहा है। बोलते हैं तो ऐसा कहता है कि बनवाओगे, ये क्या कहता है कि आचार संहिता लगी हुई है। जे के पास कॉल किया, वीडियो के पास कॉल किया, वे यही बोलते कि सरपंच बनवाएगा, और तुम्हारी गाल के पैसे आए हुए हैं लेकिन काम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। ये बताओ, न तो पानी की निकासी है, न आने जाने का रास्ता है, अब हम क्या करें? के ये आप सरपंच के पास गए थे कि ये गली बनवाने के लिए, सरपंच ने क्या कहा आपको? इसके खिलाफ हमने FIR वीडियो के पास भेजी है, एप्लीकेशन दी हुई है 2017 के अंदर। तो सरपंच ने क्या कहा? सरपंच ने क्या कहा कि बनवा देंगे, मना तो बिल्कुल नहीं कर रहा लेकिन काम नहीं कर रहे। कितने बार गए थे आप सरपंच के पास? कम से कम 20 बार कॉल कर चुके हैं, मना तो बिल्कुल नहीं कर रहे। मना नहीं कर रहा तो क्या कह रहा, बनवा देंगे? गए हैं वीडियो के पास भी गए हैं, वे भी यही कहते हैं कि जी बनवा देंगे। तो फिर इसका कोई समाधान नहीं है? कोई समाधान नहीं, इसका तो केवल सरकार ही निकाल सकती है। जो क्या क्या नाम आपका? मेरा नाम है वाकुरबाल, वाइफ रितेश कुमार। अनिल हटाला के साथ गौरव की रिपोर्ट, हर न्यूज हरियाणा।